साल में सभी एकादशी तिथि में निर्जला एकादशी व्रत को बेहद महत्वपूर्ण और कठिन माना गया है। इसी व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सभी दुख संकट दूर होते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 को बताया कि निर्जला एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को भोजन और पानी के बिना किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत को करने के लिए भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। हमारे सनातन धर्म में जो व्रत किए जाते हैं, उन सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे महान फल देने वाला यदि कोई व्रत है तो यह व्रत है एकादशी का व्रत। प्रत्येक मास के दोनों पक्षों में जो 11वीं तिथि रहती है वह एकादशी का व्रत कहलाता है। और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए और संसार से मुक्त होने के लिए और मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यह एकादशी का व्रत जो है किया जाता है। और इन एकादशी के व्रत में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, यह एकादशी निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहलाती है। क्योंकि इस निर्जला एकादशी के दिन अन्न का भी, फलहार का भी और जल का भी त्याग करके इस व्रत को रखने का महत्व है, इसलिए इस व्रत को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी क्यों? क्योंकि महाभारत के शांति पर्व में यह वर्णन आया है कि भीमसेन ने वेद व्यास जी से कहा कि हमारी माता कुंती, राजा युधिष्ठिर और मेरे जो अनुज भ्राता हैं अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सभी जो है एकादशी का व्रत करते हैं। और एकादशी के व्रत के दिन ये मुझसे कहते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत करो, लेकिन मुझसे भूख सहन नहीं होती, मैं भूखा नहीं रह पाता हूँ, इसलिए मैं भोजन कर लेता हूँ, लेकिन मेरे भाई और मेरी माता मुझसे कहती हैं कि इस एकादशी के व्रत में भोजन नहीं किया करो, क्योंकि एकादश्याम दिने यो अन्न भुक्ते पापम भुनक्ति सहा यही लोके चांडालो मृतम प्राप्त दुर्गतिम। जो एकादशी के व्रत में अन्न को ग्रहण करता है वह संसार में जो है कष्टों को प्राप्त करता है और मरने के बाद भी उसकी दुर्गति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है। तो मुझसे भूख सहन नहीं होती है, मैं भोजन ग्रहण कर लेता हूँ, लेकिन इस पाप से मैं किस प्रकार बच सकूँ, इसका यदि आप कोई उपाय जानते हो तो वह उपाय आप मुझे बताइए। तब वेदव्यास जी ने कहा कि यदि तुम नियम पूर्वक अन्य जल का त्याग करके केवल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी के दिन अन्न का भी, फलाहार का भी और जल का भी त्याग करके केवल यदि एक एकादशी को तुम पूर्ण नियम पूर्वक रह करके भगवान नारायण का पूजन करोगे तो वर्ष भर में जितनी भी एकादशी पड़ती हैं उन सभी एकादशी का तुमको केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से फल की प्राप्ति हो जाएगी और तुम इस पाप से जो है बच जाओगे, ऐसा इस निर्जला एकादशी का महत्व है। इसलिए भीमसेन ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और पूर्ण रूप से अन्य जल, फलाहार इत्यादि का त्याग करके वह इस एकादशी को करने लगा, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की यह जो एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है, इस एकादशी का व्रत प्रत्येक सनातनी व्यक्ति को करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, मंत्र जप, होम, दान इत्यादि से अपने मन को और शरीर को पवित्र करें, उत्तम रीति से इस व्रत को करें। श्रीमद् भागवत का, विष्णु सहस्त्र नाम का, भगवान विष्णु के जो विभिन्न मंत्र हैं इन मंत्रों का जप करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए इस एकादशी के व्रत को रखना चाहिए। और दूसरे दिन द्वादशी में पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं या अन्न दान करें, इसके बाद जो है फिर स्वयं व्रत का पारायण करना चाहिए। ऐसा लिखा है कि अन्न वस्त्रम गावो जलम सयातनम तवम कमंडल तथा छत्रम दातव्यम निर्जला दिने। इस निर्जला एकादशी के दिन व्यक्ति को जल का दान करना चाहिए, अन्न का, वस्त्र का, गाय का, सयासन इत्यादि का दान करते हुए इस एकादशी के व्रत को रहना चाहिए। दूसरे दिन जो द्वादशी तिथि है, इस द्वादशी तिथि में किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करके उसको एक घड़ा जल का, नवीन घड़ा ला करके उसको जल भर करके उस घट का पूजन करके ब्राह्मण को उस जल सहित घट का दान करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, वस्त्र रक्षणा इत्यादि दे करके फिर व्रत का पारायण करना चाहिए। क्योंकि दूसरे दिन जो द्वादशी पड़ती है इसको पांडव द्वादशी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि आगामी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि कब पड़ रही है। हमारे पंचांगों में इस बार जो वर्णन आया है उन पंचांगों के अनुसार 16 तारीख की रात्रि में एकादशी का व्रत प्रारंभ हो जाएगा, जो 17 तारीख के दिन पूरे दिन भर एकादशी रहेगी, 17 तारीख की रात को भी एकादशी रहेगी और 18 तारीख को सुबह सुबह सूर्योदय के
कुछ मिनट तक एकादशी जो है पंचांग में बताई गई है। क्योंकि जो एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी सनातनी या तो स्मार्थ के रूप में जाने जाते हैं या वैष्णव के रूप में जाने जाते हैं। तो जिन लोगों ने वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा ली है वे वैष्णव कहलाते हैं, और इनके अतिरिक्त जितने भी सेव हैं, जो गृहस्थ हैं और जो शास्त्र की दीक्षा लिए हुए हैं, ये सभी लोग स्मार्थ कहलाते हैं। तो जो स्मार्थ हैं, जो गृहस्थ हैं, उनको 17 तारीख 17 जून के दिन जो एकादशी पड़ रही है उस एकादशी का व्रत, स्मार्थ और गृहस्थों को 17 जून के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और जो वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं जिन्होंने वैष्णव दीक्षा लेकर के रखी है, उनको 18 जून के दिन एकादशी का यह व्रत रखना चाहिए।